कितना स्कोर आपका जाएगा लगभग? स्कोर 110 स्कोर जाएगा आपका। बट ये मान के चलिए अभी तक जो मैंने देखा है आज वेनहिल्स से कोई क्वेश्चन डायरेक्शन मैप से डायरेक्शन से नहीं था। राजस्थान तो मैं दुर्गेश सिंह चौहान, जैसा कि आप लोग जानते हैं सीटेट पेपर टू का एग्जाम कुछ समय बाद छूटने वाला है, जानते हैं कि पेपर टू में कैसे क्वेश्चन आए, एसएसटी में कैसे क्वेश्चन आए, साइंस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और मैथ्स के कैसे क्वेश्चन पूछे गए। एक बात और बताना चाहता हूं, जो लोग मेरे चैनल पर एनालिसिस देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल के पैटर्न से आज बहुत पेपर चेंज हुआ है। क्या क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आप लोगों को पर्यायवाची जल्दी और भी थे कुछ नए क्वेश्चन वगैरह नहीं देखने? नहीं नहीं सब पहले ही से। आपका भैया बहुत बढ़िया हुआ, थोड़ा इधर आ जाने हमको। कैसा हुआ मैम पेपर? ठीक हुआ। ठीक हुआ कुछ हाँ। याद है आपको एसएसटी था या मैथ था, किससे दे? मेरा एसएसटी था। एसएसटी था, कैसे क्वेश्चन वगैरह एसएसटी से आ रहे थे? क्वेश्चन वो अरे पेडागोजी ज्यादा थी, पेडागोजी ज्यादा रही। आपका कैसा हुआ मैम? पेपर अच्छा हुआ। पेपर अच्छा हुआ। सीडीपी कैसे क्वेश्चन आ रहे? सीडीपी मॉडरेट थी, अच्छी थी, मॉडरेट थी, अच्छी थी। क्वेश्चन किससे क्वेश्चन दे रहा है? जीन पियाजे वाइस की, जीन पियाजे वाइस की, दोनों से थे। हमारा समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा से नहीं था। एनसीएफ 2005 एनसीएफ से भी साइंस में नहीं था, मैथ साइंस 2009 आरटी भी नहीं था। लिंक से? हाँ लिंक से था। बस अनुवांशिकता वातावरण से कुछ? हाँ इससे भी था, इससे भी गहरा क्वेश्चन था। अच्छा ये बताइए जो हिंदी और संस्कृत है आपका क्या? हाँ संस्कृत। पैसेज कैसे आ रहा है? पैसेज थोड़े टफ आ रहे हैं। पैसेज टफ आ रहे हैं, पिछली बार से पेपर का टफ जाना हार्ड? नहीं पिछली बार से पेपर इस बार ज्यादा टफ है, क्योंकि पिछली बार मैंने दे रखा था उससे ज्यादा टफ आ रहा है। जो पैराग्राफ है वो थोड़ा टफ है, जो पैराग्राफ है वो थोड़ा टफ है। तब है आपका मैम कैसा पेपर हुआ? हाँ अच्छा हुआ। कितना अटेम्प्ट किया है? हो गया होगा 90 का, 90 नंबर का बस। तो मतलब जूनियर वाला कि नहीं, सेफ जोन में है कि नहीं? नहीं सेफ में है। सेफ जोन। आपका कैसा हुआ पेपर? सही हुआ। कुछ क्वेश्चन वगैरह याद है? कोई क्वेश्चन ऐसा आया जो एनसीएफ 2005 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है? एनसीएफ 2005 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और कोई क्वेश्चन वगैरह? आरटी 2009 नहीं, वो नहीं। एनईपी से क्वेश्चन वगैरह? नहीं एनसीएफ से ही ज्यादा। अच्छा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आए ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? सुबह के पेपर में तो दो तीन क्वेश्चन भी नहीं आए ऐसे बच्चे बता रहे हैं। प्रीवियस ईयर नहीं मिल रहा, प्रीवियस ईयर पेपर आ ही नहीं रहा। ईवीएस का पैराग्राफ आया प्रीवियस ईयर से आया है हिंदी का। और कोई कुछ नए क्वेश्चन वगैरह? पेपर आ रहा है बट प्रीवियस ईयर पेपर इसने सेकंड वाले में वो खूब आया था, लेकिन फर्स्ट वाले में जो मैथमेटिक्स था उसका पेडागोजी वो अच्छी आई थी। जो 10-5-20 पेज नंबर से जो आते हैं क्वेश्चंस वगैरह, जो कहते हैं 10-10 पेज का 15 पेज के नोट्स दे देते हैं, उनसे कुछ मिलना कि नहीं मिलना? नहीं वैसे नहीं था वो, वैसे ही नहीं आ रहा, फर्जी में बेच रहे हो 150 रुपए में ऐसा कुछ नहीं है। बट आपका कैसा पेपर हुआ? पेपर तो अच्छा हुआ प्रीवियस ईयर, जैसे कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कम आ रहे हैं इस बार। ईवीएस में सुबह ईवीएस में बता रहे बिल्कुल पैटर्न नहीं, हां पैटर्न चेंज हो गया है, एनसीईआरटी बेस नहीं आ रहा है, बहुत कम से एक दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। और जैसे हिंदी है, हिंदी इजी है, मैथ इजी है, और जो मैथ की हाँ पेडागोजी है वो थोड़ा सा मतलब मीडियम लेवल का है, और जो संस्कृत का है संस्कृत थोड़ी मतलब की जो पेडागोजी वो कम है। मतलब कितना अटेम्प्ट जा रहा है, कितना सही स्कोर जाएगा ये मान लो 115 तक चले जाए। हाँ, जूनियर प्राइमरी, प्राइमरी 115 जूनियर में, जूनियर 100 प्लस। अच्छा सीडीपी का जो लेवल है जिनके आगे के शिफ्ट में एग्जाम होगा वो कैसे पढ़ के जाए? ये है कि जो सीडीपी है वो जो जूनियर की है वो एकदम सेजी आ रही है। जो मैराथन वगैरह इस समय ले रहे हैं उनका? हाँ हाँ प्रीवियस ईयर सीडीपी से तो थोड़ा बहुत आ रहा है, सीडीपी में बाद बाकी चारों पोर्शन अलग आ रहा है। थोड़ा थोड़ा सा मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर से है फायदा है। कुछ नए क्वेश्चन जैसे बन रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? जैसे एनसीएफ 2005 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ मतलब ज्यादा डेप्थ भी नहीं और ज्यादा इजी भी नहीं। आप मैम कैसा पेपर हुआ? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ भैया बताइए कैसा क्या पेपर रहा आपका? पेपर बढ़िया था भैया। कुछ क्वेश्चन वगैरह याद है मैथ से एसएसटी? कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। जब मैम आपका कैसा पेपर हुआ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। इतनी स्ट्रगल करके जैसे आप पेपर देने आए, तो कितना स्कोर आपका जाएगा लगभग? स्कोर 110 100 सर के। आपके कौन है ये? हस्बैंड है। मतलब आप इतना इनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, इतना पेपर देने, कहाँ से आए हैं? हम लोग फतेहपुर से आए, फतेहपुर से आए थे पेपर दिलाने। तो मैम कितना स्कोर आपका, कुछ पेपर याद है? एसएसटी थी या मैथ था? नहीं मैथ, मैथ्स वगैरह। तो साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? डिफिकल्ट थे थोड़े, टिपिकल आ रहा था मतलब मैथ ज्यादा टिपिकल। पेडागोजी मैथ्स की कैसी आ रही है? मैथ पेडागोजी सही थी। एनसीएफ से क्वेश्चन थे, बेन हिले वगैरह क्वेश्चन वगैरह? जी जी। और कोई क्वेश्चन वगैरह आया था? एनसीएफ ये 2005 से थे। और कोई नंबर सिस्टम से क्वेश्चन? नंबर सिस्टम से नहीं, आयतन वर्ग से इस तरह अनुपात वगैरह से क्वेश्चन ज्यादा दिखने लगे। नंबरिंग सिस्टम। आपका भैया कैसा पेपर हुआ? बढ़िया हुआ। बढ़िया, कितना स्कोर जा रहा? 120 का। एसएसटी भैया को निकाल लेते आपका भैया कैसा हुआ पेपर? पेपर ठीक गया। कुछ याद है क्वेश्चन वगैरह? क्वेश्चन देखो
एक तो कोलबर्ग से आ रहा है, दोनों शिफ्ट में था, दोनों शिफ्ट में। पियाजे से दोनों शिफ्ट में था, बायगोस्की साथ दोनों शिफ्ट में। और कुछ? और बाकी सारा ठीक है, मतलब नॉर्मल है। लेकिन ईबीएफ सुबह वाले में क्या कहते हैं, जो पहले आता था कबूतर से आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। बालू ये सब नए पैटर्न रख दिया। हाँ, पैटर्न क्या, पैटर्न मैन पेडागोजी बढ़ा दिया, पेडागोजी बढ़ा दिया। जो 15 का उनका वो है, 15 से 15 तो उन्होंने 25 नंबर पेडागोजी कर दी, 20 नंबर तो आराम से कर दिए। अच्छा, आज के पेपर 2 में पेडागोजी कैसी आई थी आपको? ठीक थी पेडागोजी, मतलब नॉर्मल थी, मतलब ये नहीं कह सकते बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा नॉर्मल थी। हाँ, नॉर्मल थी। आपका भैया कहाँ से आए हैं? बिहार से हैं। बिहार से इतनी दूर? औरंगाबाद जिला से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा पेपर रहा आपका? अच्छा गया। हिंदी, पेडागोजी, संस्कृत ही सेकंड लगी। संस्कृत मेरे टॉप थी। और सब मैथ से कैसे क्वेश्चन वगैरह? अच्छा था, अच्छा था। क्वेश्चन वगैरह कुछ याद है? किसी के चैप्टर से क्वेश्चन पूरे चार था, सब चीज से था, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन थे। और कोई क्वेश्चन वगैरह? एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट अच्छा था। आपका चैनल कौन सा है? क्रेकर एग्जाम। आपका भैया कैसे रहा? ठीक रहा भैया, अपने हिसाब से तो ठीक रहा। कुछ याद? याद कुछ नहीं, भूल गए जा रहा। भूल गए, कोई बात नहीं, आ जाओ भैया। बहुत साइंस भी अच्छा रहा। अच्छा, साइंस रहा, याद है कुछ? बताइए भैया, साइंस में क्या है बताइए? मैं क्या, कैसा पेपर आया बताइए? पेपर साइंस में कैसा, क्या आया? साइंस में पेपर अच्छा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ याद है साइंस में कैसे क्वेश्चन पूछे? कुछ क्वेश्चंस रहे हैं जो एटॉमिक से थे और केमिस्ट्री से थे, कुछ बायो से भी थे। अच्छा अच्छा, पेडागोजी कैसी है साइंस की? पेडागोजी अच्छी थी। कुछ याद हो क्वेश्चन नया कुछ? पेडागोजी नहीं, पेडागोजी से कोई रिलेटेड नहीं है, बट सीडीपी में जो संस्कृत में कुछ थे वो उसी से रिलेटेड थे। हाँ, पहली बार दे रहे हैं किससे और कई बार? पहली बार दिए, पहली बार दिए हैं। तो आप पहली बार दे रहे, भर्ती का भी इंतजार होगा? बिल्कुल इंतजार है, इंतजार है। इसलिए ले रहे हैं। कैसे? कुछ नहीं, अरे लाइन नहीं बढ़ रही, बैग नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई ना। हाँ, बीच बीच में खाली आ रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या, तभी भीड़ आ रही है। ऐसा ही UP SSC का जो वीडियो एग्जाम हुआ था 2018 का, उसमें भी सिलेक्टेड हुए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, बट वो भर्ती कैंसिल हो गई। तो आपको काफी मतलब स्ट्रगल देख रहे हैं, क्योंकि इसीलिए BEd BTC किया। हाँ हाँ, दो तीन बच्चों का छूट गया था, पेपर छूट गया। क्यों लेट आए थे वो लोग? हाँ, काफी लेट हो गए थे, 9:35 के बाद। 9:35 पे टाइम मतलब एंट्री थी, गेट बंद हो गया था उन बच्चों का। तो ये देखिए, यदि आप लोग, सर्दी चल रही है तो आप लोग समय से सेंटर पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूट रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से मेहनत कर रहे होते हैं। ठीक है, और सर्दी के समय काफी ट्रेनें लेट हो रही है।